वो क्वेश्चंस मतलब बता दें। अभी रुको जाओ। ओके, गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। होप सो सब बढ़िया होंगे, आज राधा कृष्ण बन गए होंगे। नहीं मैम, नहीं बने मैम। मैम मैं बहुत जल्दी उठने की कोशिश करी और मैं 10 बजे उठाऊ। कोई नहीं, गोपियां तो रात को ही मिलेंगी तेरे को जशवीर। ठीक है, तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन, जितना आप लोग पढ़ चुके हो ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि जितना पढ़ चुके हो उसको एक बार रीकैप कर लेते हैं, सो दैट आप लोगों को ये ना लगे कि डेफिनेट बहुत मुश्किल है। क्या एग्री है सब लोग? यस मैम। क्योंकि हम आज जितना पढ़ चुके हैं, हमने एस्टिमेशन तक, हमने लिबनिट्स थ्योरम तक पढ़ लिया था राइट। इसके बाद हमारी 2-3 चीजें रह गई, वो एक क्लास में खत्म हो जाएंगी, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था अपना मॉड्यूल लगा लेना तब तक। तो मैं टोटली मॉड्यूल के क्वेश्चंस लेके आई हूँ, सो दैट आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी आज 80-90 क्वेश्चन करके, कि भाई हमें आता है, सिर्फ हमारे मन का डर है कि हमें नहीं आता। क्लियर है? और आप लोगों का मास्टर टेस्ट होने वाला है, क्या आपको पता है? यस मैम। कब? मैं आपको बताती हूँ कि आपका मास्टर टेस्ट कब होने वाला है। ओके, तो बच्चे एक आपका जो मास्टर टेस्ट है वो होगा 17 सितंबर को। मेजर टेस्ट ना? हाँ, मेजर टेस्ट, ठीक है जी। और उसका सिलेबस आपका मैथ्स का है, फंक्शन एंड ITF, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मतलब जितना आपका पेपर में आता है, एक तरह से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी मैम। AOD तक पूरा ही मतलब? हाँ, AOD तक पूरा ही हो गया, फंक्शन से लेके। यस मैम। ठीक है, तो इतना ही आपके, इतना मतलब आपके स्कूल के एग्जाम में थोड़ा ज्यादा आ रहा है, तो इंटीग्रेशन तो अभी पढ़ा है, तो एक तरह से आपके ये 6 चैप्टर्स प्रिपेयर हो जाएंगे आपके स्कूल के एग्जाम के लिए भी, और फर्स्ट पेपर भी मैथ्स का है, तो आई गेस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्रिपरेशन करने में। क्या करने में? सो इट विल वर्क। दूसरा टेस्ट 8 अक्टूबर को है बच्चे, थोड़ा ये किसी के बैक साइड बड़ी नॉइस है। दूसरा टेस्ट 8 अक्टूबर को है, उसमें 12th का तो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन तक आएगा, जितना अभी तक हो जाएगा ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से लेके, ठीक है ना। और मेरे को लग रहा है सही भी है, क्योंकि AOD तक आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके होंगे। मैम दूसरा तो 1 महीने बाद ही आएगा, लेकिन आपके पेपर्स है ना बीच में। 7th को पेपर इंग्लिश का, एक ही चैप्टर, दो ही चैप्टर। ध्यान से सुनिए, ध्यान से। और क्लास 11 के जो टॉपिक्स आ रहे हैं, एक क्वाड्रेटिक आ रहा है, सीक्वेंस एंड सीरीज आ रहा है, स्टैटिस्टिक्स आ रहा है, मैथमेटिकल रीजनिंग आ रहा है। क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑलरेडी कवर हो गया है पहले टेस्ट में। स्टैटिस्टिक्स की मैंने वीडियोस भेजी हैं, 3 वीडियो लेक्चर्स में पूरा स्टैट्स कवर हो रहा है। क्लियर? ठीक है मैम। और मैथमेटिकल इनके बारे में जो था ना, और 4th जो टॉपिक है वो मैथमेटिकल रीजनिंग है, उसकी वीडियोस भी इसी वीक में आपको मिल जाएंगी। चलेगा मैम? वो वाला चैप्टर है जिसमें और के बारे में समझाते हैं। हाँ वही, एंड और निगेशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो मैम इससे क्या बनेगा? क्या आज और दोनों टेस्ट क्लियर हो गए, एक आपका 17 सितंबर को और दूसरा 8 अक्टूबर को है। 17 सितंबर को सिर्फ प्लस टू वाला सिलेबस आएगा, और जो 8 अक्टूबर को इसमें प्लस वन और प्लस टू दोनों के टॉपिक्स आ रहे हैं, ग्रुप पे शेयर हो जाएगा आप लोगों के पास सिलेबस, ठीक है। एंड दूसरी चीज, इस बार टेस्ट कितने बच्चों ने नहीं दिया? अगर दिया तो इतना कम स्कोर क्यों आया? सीक्वेंस एंड सीरीज पूरा अच्छे से नहीं हुआ, मैथ्स वाला सेक्शन तो सही आया था। मैम मेरा सीक्वेंस एंड सीरीज अच्छे से नहीं हुआ था, तो मतलब 40 से ऊपर नहीं जाता है ना। ठीक है, तो मतलब अगली बार वाले टेस्ट जो भी सैटरडे को हो रहा है उस पे थोड़ा फोकस करना, जो संडे को टेस्ट है,
ठीक है ना? ओके मैम, क्योंकि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है जिसपे आपको वर्कआउट करना है. क्लियर बच्चों? हम कितने स्कोर आने चाहिए? स्कोर तो ऐसा है कि अगर मास्टर टेस्ट है तो डेफिनेटली 25 क्वेश्चंस आएंगे. 25 में से कम 15 तो करे ना. जो अभी हुआ था 180 में से. स्पेशली ये जो अल्फा वाला सेक्शन है वो लैग करा. मैम आज कितने घंटे की क्लास होगी? ऐसा कुछ अर्चना डिसाइडेड नहीं है. हम बैठ गए हैं, अभी शुरू करते हैं क्लास को, क्योंकि मैंने बोला था 10 बजे तक लोग बैठ जाएंगे. अरे हाँ, ऐसा भी कर लेंगे, बीच में डिनर लंच सब कर लेंगे. क्या कहते हो? यस मैम. यस मैम. 70% की थी मैथ. क्या मैम सभी में सेम कट ऑफ जाती है? सब में सेम जाती है बच्चे, वही थोड़ा सा अगर नेसेसरी होता है 70% के कट ऑफ. हां ऐसा ही रखते हैं, हर पर टारगेट होता है एक, तो आप लोगों का थोड़ा कम आया. हां तो मेरे मैम नेगेटिव मार्क्स आ गए. छोड़ दो, सब चीजें छोड़ दो, हो गया सो हो गया. अब मैं क्या ही कर सकती हूं ना, अब तो चेंज नहीं कर सकती. एक तो सबको टेस्ट देना है फॉर श्योर, और जो संडे वाला टेस्ट है उसमें आप लोग अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दो. इसी संडे टेस्ट है ना आपका? इस संडे बैठेगी? नहीं, अगले संडे है, तो आप लोगों के पास 10 दिन है. एग्री? मेजर टेस्ट वाला. हाँ मेजर टेस्ट. और इस संडे तो डेफिनेटली अच्छा देना ही देना इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन का, इसीलिए मैंने आज मॉड्यूल का डिस्कशन रख रहा है, जितना पार्ट हो गया वहां तक का. क्लियर? तो चले, मतलब मुझे आप लोगों को एंड से आंसर मिलने चाहिए कि मैम इसको ऐसा सोच लेंगे ऐसा सोच लेंगे. सारे मेरे को करवाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन, मुझे लग रहा है आप लोगों से आंसर मिलने चाहिए कि हम ऐसा सोच सकते हैं कि आप लोगों को ऐसा स्ट्राइक कर रहा है. क्या कहते हो? ठीक है? यस मैम. ओके मैम. मैम एक बार क्लास के एंड में वो एस्टीमेशन ऑफ इंटीग्रल समझा देना, वो क्वेश्चन नहीं हो रहे थे उसके. मैम काफी सारे क्वेश्चन एस्टीमेशन वाले पार्ट को दिमाग से बाहर जा रहे थे, लेकिन उसके से अच्छा हुआ है. सुनो प्रणव, एस्टीमेशन को अगली क्लास में इंक्लूड कर लेंगे. अगर आज मॉड्यूल में आ गए तो दोबारा से कर लेंगे, अदरवाइज उस वाले होमवर्क क्वेश्चन को अगली वाली क्लास में इंक्लूड कर लूंगी. चलेगा? ओके मैम. मैम क्वेश्चंस मतलब एक बार थोड़ी थ्योरी भी समझा देना उसमें. हाँ ठीक है, श्योर. एस्टिमेशन वाले टॉपिक को दोबारा से पिक कर लेंगे. चलेगा फिर? यस मैम. ठीक है, तो क्योंकि आज वाला पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है सुनैना, एस्टिमेशन को दोबारा से करेंगे. तो बच्चा देखो, A1 से A3 एक बार देखो, सोचो कैसे करेंगे. हो गए सारे? हो गए. तो फर्स्ट को क्या करा? रैशनलाइज. हाँ जी बच्चे, फर्स्ट को रैशनलाइज कर लेंगे. यस मैम. बेसिक ही है ये, तो बेसिक प्रॉब्लम है, मेंशन भी है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए. सेकंड में बाय पार्ट्स लगा देंगे. यस मैम. और थर्ड में वो झूठ वाला मेथड. ठीक है मैम. है ना? क्योंकि एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे और ए और बी निकाल लेंगे. क्या तीनों क्वेश्चन सबको क्लियर है? किसी को डाउट है तीनों में? ठीक है. फोर्थ, टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर को बच्चे सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख लेंगे. और माय डियर बच्चा पार्टी, इसको करने के लिए रूट एक्स को टी मान लेंगे. टी मान लेंगे. वन प्लस साइन टू एक्स है, ये तो सिंपल है, ये तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बन जाएगा. क्या कहते हो? यस मैम. और एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स का क्यूब है, कॉस एक्स का क्यूब है. क्या कहते हो? ठीक है. और उसके बाद बाय पार्ट्स लग जाएगा. क्या मेरे को ऐसा ही लग रहा है? आप लोगों को क्या लग रहा है? सही है? Yes, ma'am, सही लग तो यही रहा है. क्योंकि जो अगर आप लोगों को स्ट्राइक कर रहे हैं ना कि मैम इसके आगे एक्स है, वो प्रॉपर्टी नहीं लगी, वो प्रॉपर्टी लगाने का मुझे फायदा नहीं, क्योंकि 0 से पाई बाय 4 है, या तो पाई बाय 2 या पाई होता तो काम करता, तो मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस चेंज होती ना. अभी तो चेंज ही नहीं हो पा रही. मैम ठीक है,
सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? जशवीर, अभिनव, मानसी, निर्भय, अमन, एकता, अमर, ग्रेट। एर्थ बताइए। टू बाय थ्री इंटू एक्स को टी मान लेंगे इसमें। तो टू बाय थ्री ई की पावर एक्स को टी माना और ई एक्स डेरिवेटिव में निकल जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बच्चों। यस मैम। ये फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव दिख रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सीधा e की x by x ही बन जाएगा और 1 से 2 जाएगा, right? Yes, ma'am. हाँ जी, यहाँ तक सबको क्लियर है? Yeah. ये अब आपके पास है e की पावर माइनस x के 0 से इन्फिनिटी का आंसर दे रखा है। e की पावर माइनस x के को कैसे सोचेंगे? e की पावर माइनस से अलग कर लेंगे उससे। माइनस x को 1 by x को e की पावर x को लेंगे। क्या एक्सपोनेंशियल को माइनस से गुणा कर देते हैं, बाईपास लगा देते हैं सीधा सीधा, क्योंकि ये कुछ ऐसे दिख रही है मेरे को, जहां तक लग रहा है e की पावर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू a, है ना? यस मैम। तो कैसे करेंगे? पावर x स्क्वायर को t पुट कर ले तो ले लो, 2 मिनट सॉल्व कर लो बच्चों, फटाफट टेक योर टाइम। हाँ जी, आंसर आ गया। ओके एक तक कहती मेरा 10 नहीं हुआ, मैं वहां बता दो। कोई और बच्चा है जिसको लग रहा है उसका हो गया? नहीं तो मैं करवा दूं फिर। मैं करा दो। ठीक है, तो बच्चे क्या इस क्वेश्चन को करने के लिए हम कुछ ऐसा थॉट ले सकते 10 के लिए? ध्यान से देखिए कि इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी है e की पावर माइनस रूट ए एक्स को, ठीक है, क्लियर? माइनस बाहर रख लेते हैं, क्या इसका स्क्वायर कर लूं तो ठीक है, चलेगा? यस मैम। तो क्या आप देख पा रहे हो कि मान लो रूट ए इंटू एक्स जो है अगर वो टी के बराबर है तो रूट ए डी एक्स जो है वो डी टी के बराबर हो जाएगा। तो आपका जीरो से इंफिनिटी ई की पावर माइनस, अभी लिमिट्स भी नहीं डालेंगे, माइनस टी स्क्वायर और आपके पास 1/√a dt बन गया बच्चों। यस मैम। ठीक है, और अगर मैं देखूं x 0 है तो t भी 0 आ रहा है और अगर x इनफिनिटी है तो t भी इनफिनिटी हो रहा है, तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यस मैम, नहीं सर। और ये वही वाली प्रॉपर्टी नहीं लगी कि भाई ध्यान से देखो वेरिएबल ही तो चेंज हुए, अदरवाइज इंटीग्रेशन की वैल्यू दे रखी थी एकता, जीरो से इनफिनिटी अगर टी को एक्स से रिप्लेस करोगे तो सेम ही इंटीग्रल आएगा, यानी कि 1/√a इंटू रूट पाई बाय 2। तो आपके पास आंसर कितना बन रहा है? रूट पाई बाय 2 रूट ए। तो चेक करो आपका आंसर कौन सा बन रहा है, 4 बन रहा है। Yes, ma'am. तो सिंपल सी बात थी, क्लियर है सबको बच्चों? किसी को भी डाउट? नो मैम। सबको क्लियर सुनाए ना? यस मैम, क्लियर। ठीक है, अब अगला सोचो। आई वन दे रखा है, आई टू दे रखा है, वो आपको देखना है कि कौन सा इंटीग्रल किसके बराबर है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है भाई एल एन एक्स को मैं टी मान लेती हूँ। Yes, ma'am. तो x जो है वो e की पावर t हो जाएगा, तो dx e t हो जाएगा। Yes, ma'am. तो आप लोगों के पास जो इंटीग्रल है वो कैसा दिख रहा है, e की पावर t dt और नीचे दिखा t और लिमिट्स चेंज कर लो। जब x e आ रहा है तो आपके पास t 1 बन रहा है और जब x e की पावर 2 आ रहा है तो t आपके पास 2 बन रहा है, जाने की लिमिट 1 से 2। अब देखो ध्यान से बच्चे, सिर्फ वेरिएबल चेंज हुआ है।
यस मैम ये दोनों इक्वल तो दोनों बराबर हो गए तो ऑप्शन वन सही रहेगा यस मैम ठीक है जी क्लियर है तो शायद अब 11 क्वेश्चन yes, कुछ तो दिमाग में आया होगा अभी इतना मुश्किल नहीं है मैम थोड़ा लग रहा है कि हाँ कर क्या बच्चे कर सकते हो वी कैन डू इट अजय क्या कह रहे हो ग्यारहवा वाला कुछ नहीं करा मैंने इस फर्स्ट इंटेग्रल में एल एन एक्स को टी माना और इसका वेरिएबल चेंज कर दिया तो ई की पावर टी 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 बाय टी और लिमिट्स भी चेंज हो गया मुझे दिखा कि सिर्फ वेरिएबल चेंज करा अदरवाइज इंटेग्रल सेम है लिमिट्स भी सेम है okay. तो लॉजिकली दोनों का आंसर सेम आएगा जी. हाँ जी बच्चे अब अगला देखिए डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स जी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स है ग्रेट सुना है ना तो अब कहते हैं कि अगर ए से बी तक अगर एफ एक्स का डेरिवेटिव जी एक्स है तो मुझे क्लियरली विजिबल हो रहा है बच्चे कि मैं एफ एक्स को टी पुट करूंगी यस मैम का डेरिवेटिव जो एफ एक्स का है वो डी टी के बराबर जी एक्स आ जाएगा है ना तो बेसिकली आपके पास ए से बी लिखूंगी चेंज कर दूंगी चलो एफ ऑफ ए कर दूंगी और एफ ऑफ बी कर दूंगी ऐसा ही सोचूंगी yes, ma'am. तो आपके पास कितना बन जाएगा आपके पास बन जाएगा एफ एक्स है ना एफ एक्स को टी माना और डी टी तो बेसिकली डी स्केयर बाय टू बना अब देखो पहले अपर लिमिट एफ बी स्केयर माइनस एफ ए स्केयर माइनस डिवाइडेड बाय टू तो ऑप्शन थ्री सही आएगा बच्चों yes, ma'am. सानिया जी मनप्रीत जी क्या कहते हो अर्चना क्लियर हाँ जी बच्चे 13 सोचिए हम इसमें नीचे सेपरेट करके उसके बाद x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में कन्वर्ट कर लेते हैं x माइनस 5 को यस फ्रैक्शनल पार्ट और उसमें नॉर्मल मैंने ऐसे किया था इसको ब्रेक करेंगे हाँ जी करके देख लीजिए एक बार बोलिए बच्चों मैम कौन सा क्वेश्चन करना है अभी 13 या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं कि x की जगह हम 5 और 10 पुट करें तो 0 और 1 के बीच में वैल्यू आएगी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 0 होगा अच्छा क्या मैं कुछ इसको इस तरह से सोच सकती हूँ कि मान लो जो एफ एक्स है वो x माइनस 5 के बराबर है दैट बिलोंग्स टू 0 टू 5 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 5 टू 10 राइट तो जो जी एक्स फंक्शन होगा बच्चे वो एफ एक्स डिवाइडेड बाय 5 बन जाएगा दैट मीन्स x माइनस 5 बाय 5 एंड दैट बिलोंग्स टू 0 टू 1 Agree or not? तो अगर इसका greatest integer ले लूंगी और इसका भी ले लूंगी तो इसका greatest integer कितना आएगा बताइए zero. और zero की अगर integration करोगे तो कितनी आएगी zero ही आएगी zero. तो आपका answer yes ma'am बताइए बात clear है simple थी clear है ma'am हाँ जी बोलिए सानिया चले आगे yes, ma'am. हाँ जी 14 में किसी को डाउट है no, ma'am, हो गया था ये किसी को भी डाउट है no, ma'am. बता दीजिए अगर किसी को लग रहा है कि भाई मेरे को पूछना है तो लेट इट बी चलूं आगे फिर yes, ma'am. Yes, ma'am. Great. 15th. Ma'am, ये भी हो गया था. सबका done?
सो 14th करा दो. ओके यस बच्चों 14th करा दो. किसको पूछना है 14th? 15 नहीं हुआ था मेरा भाई. ऐसा देखो अभी दो बच्चे बोल रहे हैं 15 हो गया. चलो बताइए फिर क्या करना है. किसमें? 14 में मैम. 14 में वैल्यू पुट करके देख लेंगे ना, हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगी. उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा. हाँ जी देखिए जिसका डाउट तो बच्चे क्या बात क्लियर हुई आपको. ओके मैम. कुछ नहीं है. 0 माइनस 10 इनवर्स 1 से 0 तक जा रहे हैं. जब माइनस 10 1 करोगे तो उसकी वैल्यू वही 0 से 1 के बीच में आ रही है. इसका मतलब 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही देगा, रिटर्न करेगा. तो 0 की इंटीग्रेशन 0 होती है माय डियर. यस मैम. यस. तो 15th में क्या करेंगे बच्चे? सुनैना का डाउट है. मैं इसमें वैल्यू पुट करेंगे, वो 2 और 1 के बीच में रहेगी. सुनैना जी ठीक है, 1 और 2 के बीच में रहेगी, यानी कि 1 आएगा, ऐसा कहना चाह रहे हो? यस मैम. सुनैना ठीक है. मैम क्या मैम कैसे 2 और 1 बन? देखो आपने पहले साइन एक्स की पाई बाय 3 पे वैल्यू सोची, कितनी आएगी सुनैना? पाई बाय 60 पे 1/2. यस मैम. और 30 पे √3/2. यस मैम. यानी कि आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई करा सुनैना, तो आपको पता चला कि आपकी वैल्यू 1 से 1.71 के बीच में रह रही है. तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको क्या रिटर्न करेगा? 1. ठीक है. चलिए अब आ गया अपना प्रॉपर्टीज वाला पार्ट. ये बेसिक वाला पार्ट था. 15 क्वेश्चन बेसिक्स पे थे कि सब्स्टिट्यूशन इनडेफिनेट से जो आपको इंटीग्रेशन आते हैं उसी पे काम करके आप कैसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं. तो बेसिक वाला पार्ट सबको क्लियर है, चाहे वो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो चाहे मॉडुलस हो, क्या कहते हैं? ठीक है. अब आ गया प्रॉपर्टीज वाला पार्ट. तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको दिख रहा है कि ब्रेक पॉइंट पे काम कर रही है. yes, है ना? तो जब ब्रेक पॉइंट पे काम करती है तो सबसे पहली प्रॉपर्टी 0 से 2 है, यानी कि एक बार 0 से 1 जाएगी और एक बार 1 से 2 जाएगी. यही कहना चाह रही है? यस मैम. एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा. जब 0 से 1 जाएगी तो सिर्फ एक्स देगी, प्लस जब 1 से 2 जाएगी तो एक्स स्क्वायर देगी. तो x स्क्वायर इनटू x माइनस 1, तो क्या आप इंटीग्रेट कर लोगे अलग अलग से? यस मैम. और क्वेश्चन नंबर 2 मुझे ऐसा लग रहा है हमने रेगुलर सेशन में करा था. यस मैम. इसमें होमवर्क करा था, होमवर्क में दिया था cos x को 0 कर लो तो cos x की वैल्यू आपके पास माइनस 1 अपॉन 2 आएगी. याद आया कुछ? यस मैम. तो 2 में ब्रेक हो गया होगा ना आपका 0 से 2π/3 और +2π/3 से π, है ना मैम 4π/3 लिखा था ना आपने फिर उसके बाद 4π/3 से 2π/3 था सही बोला कर लोगे? यस मैम. हाँ जी अगला थर्ड में डाउट है. सबका पार्टिसिपेशन मस्ट है ना मैम? हो गया था ये भी. थर्ड हो गया बच्चे? दीपिका 0 से 1/3 जाएंगे प्लस 1/3 से 1 जाएंगे अर्चना, राइट? ओके. फिर लॉग एक्स मैम इसमें 1 आएगा इसका क्रिटिकल पॉइंट. ठीक है 1 आ गया तो 1 अपॉन ई से 1, 1 से 2 ई, ऐसा ही चलोगे? यस मैम. यस मैम. और क्वेश्चन 5th रेगुलर सेशन में करा था. तो यहाँ तक किसी को डाउट है 5 तक? नो मैम. ठीक है अब 6 पे आ जाओ. 6 क्या कह रहा है भाई? 0 पहले माइनस 1 से 2 तक जाएगा. यस मैम. फिर 2 से 3 जाएगा और इनको फिर ब्रेक करना शुरू कर दो. यस मैम. 1 से 4 log e, greatest integer x. कैसे करेंगे?
देन इंटीजर्स पर ब्रेक करेंगे इसे 1 से 2 2 से 3 3 से 4 ऐसे यस मैम बच्चे सब बोल पढ़ो बाद में नहीं अरे मैम तो अकेली बोलती रही यस मैम हां जी 8 से देखिए ये भी इंटीजर्स पर ब्रेक होगा माइनस टू से माइनस वन फिर माइनस वन से जीरो फिर जीरो से वन ऐसे करके सारी वाले इसको ऐड कर देंगे नाइन यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स दे रखे हैं एन से एन प्लस वन तक दे रखे हैं मैम इसमें कोई प्रॉपर्टी लग सकती है मतलब अरे नहीं इसमें प्रॉपर्टी नहीं लगेगी बच्चे ये तो वही आपका ब्रेक पॉइंट वाली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी टू की आपको ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स में करना है यानी कि माइनस टू से माइनस वन प्लस माइनस वन से जीरो फिर फोर तक जाएगी ठीक है पहला क्वाड्रेंट और दूसरा क्वाड्रेंट यहाँ तक जिसको भी डाउट है दे कैन रेज देयर हैंड ठीक है फिर माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में टेन एक्स क्यूब की बात कर रहे हैं क्या सोच रहे हैं ऑड फंक्शन है जीरो आएगा आंसर अरे राइट टेन भी ऑड है और एक्स क्यूब भी अपने आप में ऑड है ना यस मैम तो ये तो सीधा ही है माइनस ए से यू दीपिका आ गई वापिस चलिए ये भी माइनस टू से टू है ये इवन है क्या कहते हैं बच्चों जीरो से टू हो जाएगा एक्स की पावर फोर डी एक्स और आगे दो आ जाएगा yes, ठीक है एक्स की 17 ये भी ऑड इवन चेक करेंगे और ऑड है ऑड है जीरो होगा अरे बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं यार दिल खुश कर देता चलिए अगले वाले में भी ऑड इवन चेक करना है एक्स क्यूब तो ऑड है ये तो गया Man. बेसिकली वन जो है वो इवन फंक्शन आ जाएगा पाई आंसर है क्या इसका पाई आ जाएगा बच्चे यहाँ तक किसी को ऐसा ना लगे ऑड इवन मैडम वैसे फटाफट कर गई किसी को पूछना है पूछ लो ये सेशन आप लोगों के लिए मेरे लिए नहीं आज का सेशन ये ऑड इवन क्या है ये बताओ अजय जी हमने ना प्रॉपर्टी करी थी कि जब मेरी जो लिमिट्स हैं जो इंटीग्रल्स की होती है ना अपर लिमिट लोअर लिमिट अगर नेगेटिव से पॉजिटिव सेम नंबर पे जा रही है तो हम उस पर माइनस एक्स पुट करके देख लेते हैं अपने फंक्शन में अगर मेरा फंक्शन माइनस को बाहर पंप आउट कर देता है माइनस बाहर निकाल के फेंक देता है तो मैं उसको बोलती हूँ वो ऑड फंक्शन है अगर वो माइनस खत्म कर देता है अंदर ही और आपका फंक्शन सेम रहता है उसको हम बोलते हैं ऑड इवन और अगर ऑड फंक्शन आ जाता है इंटीग्रेशन सीधा ही जीरो हो जाती है अगर इवन हो जाता है तो ट्वाइस हो जाती है और जो आपकी लिमिट है माइनस टू से टू जा रही थी अब जीरो से टू चली जाएगी और फंक्शन एज इट इज रहेगा क्लियर है ओके हाँ जी बच्चे 14th मे बी ऑड फंक्शन है जी कैसे चेक करा माइनस एक्स पुट कर देंगे एक्स की जगह ठीक है क्लियर है सबको मैम एक बार और बता दो सिंपल है आपने क्या करना है कि दोनों कंटीन्यूअस फंक्शंस है आपने क्या करा एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया हर जगह पे तो f ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर करा तो पॉजिटिव रहा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ा डिनोमिनेटर में g को भी कोई फर्क नहीं पड़ा बच्चे न्यूमिरेटर में f ऑफ माइनस एक्स हो गया माइनस f ऑफ x हो गया और डिनोमिनेटर में g ऑफ माइनस एक्स हो गया प्लस g ऑफ x हो गया जाने कि न्यूमिरेटर में से माइनस बाहर आ रहा है yes, ma'am. तो आपके इंटेग्रल में से माइनस बाहर आ रहा है इट मीन्स ये एक ऑड फंक्शन अगर ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रल सीधा ही जीरो हो गया माय डियर अब आप बोलोगे कि इसके लिमिट्स का क्योंकि log ln जो 1 upon lambda है उसको ln lambda minus 1 यानी कि minus ln lambda लिख सकते हो तो पॉजिटिव से नेगेटिव लिमिट्स आ रही है ना यस मैम 15th पे आ जाओ
इसमें सेपरेट कर लेंगे. रेडी टू चेक ऑड इवन? यस मैम. क्योंकि फर्स्ट अब इसमें जहां तक मुझे दिख रहा है, शायद आपको भी दिखा होगा, जब मैंने इस पे माइनस करा तो ये माइनस साइन एक्स दे रहा है. यस मैम. और ये माइनस एक्स के, तो ना ये मेरे को ऑड दिखा रहा है ना इवन दिखा रहा है. तो आपको याद है जब ऑड इवन नहीं दिखाती नेगेटिव से पॉजिटिव, तो अपन क्या कहते थे कि माइनस वन से वन बचे एक सेकेंड, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स करके इसको इंटीग्रेट कर दो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जाने के आपके पास माइनस वन से वन साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री माइनस मॉडुलस एक्स. इन द सेम वे माइनस साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री माइनस मॉडुलस एक्स, यही बना. एलसीएम लिया, साइन एक्स कट गया, तो आपके पास इंटेग्रल माइनस वन से वन माइनस टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री माइनस मॉडुलस एक्स. अब ये इवन है, कैन यू सी? Yes, ma'am. अगर अब ये इवन है तो सुने ना, अब ये क्या बन जाएगा, जीरो से वन हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, माइनस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, थ्री माइनस मॉडुलस एक्स. तो शायद आपको दिख रहा ऑप्शन थ्री सही आंसर है. Yes, ma'am. क्लियर? किसी को भी डाउट? नहीं मैम. ठीक है. अब वन अपॉन पाई तो कॉन्स्टेंट है, कॉट इनवर्स जो होता है जब उसमें पुट करते हैं तो वो तो पाई माइनस होता है, क्योंकि ऑड इनवर्स आपको याद होगा नैनो होता है ना, ऑड ना इवन. यस मैम. यस मैम. तो इसमें भी ऊपर वाली प्रॉपर्टी ही लगानी पड़ेगी लॉजिकली. इसमें अगर पाई को अंदर ले जाए उसके बाद से नहीं, ठीक नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता ना, ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी लगेगी. आप बोलोगे 1 अपॉन पाई तो बेटा बाहर बैठ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस आपके पास क्या बनेगा, कॉट इनवर्स अगर माइनस एक्स दिखता है तो आपको पाई माइनस एक्स रिटर्न करेगा ना, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स. ये कट गया, पाई बचा, पाई से पाई कट गया, वन की इंटीग्रेशन. वन अपने आप में एक इवन जैसा फंक्शन दिख रहा है, तो जीरो से वन ट्वाइस कर दो तो आपका आंसर टू आ रहा होगा. यस मैम. अरे ये मेरी फेवरेट प्रॉपर्टी, आप देखो एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स दिख रहा है, सबको सोचो दिख रहा है? तो अगर ऐसा इंटीग्रल दिखता था तो इसका सीधा सीधा शॉर्टकट था बी माइनस ए बाय टू, यानी कि टू माइनस वन वन बाय टू वन बाय टू. मैं तो नहीं दिख रहा ए माइनस बी, क्या ए प्लस बी माइनस एक्स कहाँ पे मैम इसमें दिख तो रहा है? अगर ये फंक्शन है इसमें आप चेंज करोगे ए प्लस बी माइनस एक्स, तो ऊपर बन जाएगा रूट थ्री माइनस एक्स और ये बन जाएगा रूट एक्स और ये बन जाएगा रूट थ्री माइनस एक्स. एड करोगे कट जाएंगे. क्लियर बच्चों? ठीक है अजय. ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी कि अगर मैं a प्लस बी माइनस एक्स कर लेती हूँ तो मेरा इंटेग्रल चेंज नहीं होगा, तो दो आई बन जाएंगे. दोनों को आपने ऐड करा और दोनों को जब ऐड करोगे सेम, इन दोनों को ऐड करोगे तो इनको ऐड करने के बाद आपके पास वन रिजल्ट आएगा इंटीग्रेशन में, वन से टू तक dx, यानी कि x की इंटीग्रेशन कितनी आई आपके पास, टू आई इज इक्वल्स टू ये बनेगा, तो टू आई इज इक्वल्स टू वन से टू, तो 2i is equals to 1 बना, तो i की वैल्यू 1 by 2, तो ये हमारे पास शॉर्टकट होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. क्या क्लियर है? Okay. ये तो सेम क्वेश्चन आ गया. Yes, ma'am. पिछले वाला ही आ गया, दो ही आ गया. वो शायद गलती से, ठीक है 16 17 ऑलरेडी डन है, 18 पे आ जाओ. अब ये कह रहे हैं कि 3 माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है, तो शायद a प्लस बी माइनस एक्स दिख रहा है आपको. यस मैम, प्रॉपर्टी लगा देंगे. तो आपने इसमें लगाया कि 1 से 2 3 माइनस एक्स हो गया और f ऑफ 3 माइनस एक्स हो गया, राइट? ये भी i है, ये आपके पास बच्चे क्या बन जाएगा, f ऑफ 3 माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है. तो आप 2i को बोल सकते हो कि 1 से 2 x एफ एक्स प्लस 1 से 2 3 माइनस एक्स इन टू एफ एक्स, तो क्या एफ एक्स को हम ऐड कर दोगे, सिर्फ 3 वाला बचेगा,
वन से टू थ्री एफ ऑफ एक्स बचेगा बच्चे, तो आपके पास थ्री बाय टू इंटेग्रल ऑफ वन से टू एफ एक्स डी एक्स बचेगा। आंसर चेक कर लो कौन सा आ रहा है, टू आ रहा है। यस मैम। क्या किसी को डाउट है? यस मैम। नहीं है मिस। अब बच्चे वापस से सोचो, 19 में भी सेम ए प्लस बी माइनस एक्स दिख रहा है। यस मैम दिख रहा है। क्लियर है सानिया? यस मैम। दीपिका, अर्चना, हरलीन? यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन तो कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रहे हैं। ठीक है, 19 हो गया सेम है राइट। 20th देखो, तो इससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा कि हम लोगों ने ऐसे ही सोचा कि बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल नहीं है, इसीलिए करवा दियो। क्योंकि कई बार किसी चीज को लेके हमारे मन में थॉट बैठ जाता है कि भाई ये तो होगा नहीं, ये बहुत मुश्किल है। अभी आज की क्लास के बाद आपको लगेगा भाई डेफिनेट हम कर सकते हैं, क्योंकि अब लिमिट से कर लोगे ना, तो आपके पास अल्टीमेटली दो ही टॉपिक रह जाएंगे जो आपको फिर से वर्कआउट करना है बस। Yes, और मैम अगर मैट्रिक से डर लगने लग जाए तो? मैट्रिक से क्यों डर लगना है रश्वीर? मैम पता नहीं क्यों अचानक से डर लगने लग गया, आखिरी क्लास के बाद ही, जब आखिरी क्लास हुई थी, मेरी क्लास हुई थी, मैंने क्या करा ऐसा? मैंने मैट्रिक नहीं मैम, आपकी क्लास नहीं, निशा मैम की क्लास हुई थी आखिरी, उसमें कुछ क्वेश्चंस करे थे, उसके बाद पता नहीं क्यों जब मैं क्वेश्चन करने बैठता ना मुझे अजीब सा डर लगने लगता कि अब अगला कौन सा आने वाला है, मेरे को लगता है अब तो हुआ ही नहीं होता। डरते नहीं होते, डर के आगे जीत है, सिंपल सा तोड़ है यार, जो भी जिस चीज से डर लगता है ना उसी के पीछे पड़ जाओ। लाइफ में डरना नहीं चाहिए, अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए ना तो रिस्क लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात, मेरा तो यही थॉट है। ठीक है, पहले मुझे इंटीग्रेशन से डर लगता था। मैं ना सही में बताती हूँ, मेरा लाइफ में ना ये एक्सपीरियंस है, मैंने लॉकडाउन के बाद अपनी खुद की लाइफ के साथ इतने सारे चेंजेस करे हैं ना करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरे को किसी चीज से डर नहीं लगता। मैं कभी भी अपने आप को स्विच कर लेती हूँ कि नहीं मुझे ऐसा नहीं है, पैसा सोच के देखना, अब इस चीज के बारे में काम करना है, अब मुझे इस चीज के बारे में सोचना है, तो वो है कि आपके दिमाग में एक कीड़ा होता है कि मेरे को कुछ करना है लाइफ में, जब वो डिसाइड हो जाता है ना तो आप कुछ भी करते हो। ठीक है ना? ओके मैम, तो कभी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी अपना कि आप लोग भी अपनी लाइफ में क्या क्या कर सकते हो, तो कभी इस चीज पे बंदे को फ्लक्स वो नहीं करना चाहिए कि भाई अब ये मेरा कंफर्टेबल जोन है, इससे बाहर मैं नहीं निकलूंगा, हमें इससे बाहर निकलना ही होगा अगर हमें कुछ अचीव करना है। चलो इंडेफिनेट आया ना, तब भी मुझे मैट्रिक्स जितना डर नहीं लगा था। अरे तेरे को मैं मैट्रिक्स का स्पेशल सेशन दूंगी, सिर्फ तेरे को दूंगी। ठीक है मैम, मुझे पता नहीं क्यों मैट्रिक्स से इतना डर लगने लग गया, मैंने मैट्रिक्स छोड़ने भी शुरू कर दिया। तेरा ये फोबिया निकाल लेंगे अपन, देखेंगे अगर संडे को मेरे पास टाइम हो तो अपन देखते हैं। ठीक है, चलिए 20th बताइए मैम। इसमें तो 10 इनवर्स से पहले कर लेते हैं, वरना उसमें माइनस ए प्लस बी माइनस एक्स कर लेते हैं, वो तो है ही सुनाना। बताइए बच्चों प्रॉपर्टी लगाते हैं इसमें a माइनस x वाली। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, प्रॉपर्टी लगा लो। देखो डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा लेकिन sin x plus cos x कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि ये आप जो बोल रहे हो ना वो tan में कन्वर्ट कर ले, तो मुझे डेफिनेट में प्रॉपर्टीज करने का फायदा ही क्या हुआ मैम? वही तो मैं भी सोच रहा था, इसलिए मैंने a plus b minus x बोला। अगर तूने इसमें प्रॉपर्टी लगाई तो इंटीग्रल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना अभिनव, तो ये बन जाएगा a cos x plus b sin x राइट, और डिनोमिनेटर को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बन गया cos x plus sin x, तो अपन क्या करते होते हैं इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो भाई yes. 0 से पाई बाय 2, मुझे लॉजिकली दिख रहा है कि a के साथ cos plus sin दिख रहा है plus b के साथ cos plus sin दिख रहा है, डिवाइडेड बाय cos plus sin,
तो मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, मेरे पास तो जीरो से पाई बाय टू ए प्लस बी बचा बस, तो मुझे आंसर भी दिख गया. आपकी मर्जी है दीपिका. ठीक है जी बच्चे, 20 तक क्लियर है सबको? बहुत सिंपल है. 21 सोचिए, 21 में भी शायद कुछ स्ट्राइक करेगा आपको. 1 माइनस एक्स को टी ले लेंगे, हमने करा भी था शायद ये क्वेश्चन. मैम 1 माइनस एक्स कर देते हैं, ये क्लास नहीं करेगा ना. 1 माइनस एक्स को टी ले लेते हैं, तो माइनस डी एक्स डी टी के बराबर हो जाएगा. लिमिट्स चेंज कर लेना, आंसर आ जाएगा. राइट. हेलो. और मैम ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी भी तो लग रही है. कौन सी ए माइनस एक्स की? मैम 1 माइनस एक्स कर देते हैं दोनों में. एक्स को 1 प्लस 1 माइनस. वो ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी कह रहा है. जीरो, हाँ वो भी लगा सकते हो बच्चे. राइट, वो भी लगा सकते हो, पुट करने की जरूरत नहीं है, सीधी प्रॉपर्टी लग रही है. क्योंकि ये आपके पास बनेगा जीरो से वन, ये बन जाएगा वन माइनस एक्स, और ये बन जाएगा वन की पावर एन डी एक्स. राइट, तो ये इंटेग्रल सेम रहा. अब इसकी इंटीग्रेशन तो बहुत ईजी है, क्या कहते हैं? वन की पावर एन तो वन नहीं होता है, खत्म हो जाएगा. 22 पे आ जाओ. हमने पता है कितने क्वेश्चन कर लिए, 15 15, 30 30, और 7 37 क्वेश्चन कर लिए मैम. लेकिन ये तो बेसिक वाले थे ना. अभी आएंगे आगे भी, सी भी तो करेंगे. चलिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स जी ऑफ एक्स जी ए माइनस एक्स 2 के बराबर है. तो इस पे काम करना है, इस पे प्रॉपर्टी लगानी है सिंपल. यस मैम. लग जाएगी? लग जाएगी मैम. यस मैम लग जाएगी. अरे ये तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, सोचो मैम. और नहीं, साइन तो साइन और कॉस में ये बन जाएगा कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स क्यूब एक्स प्लस कॉस. अब दिख रहा होगा क्वेश्चन. यस मैम, अब प्रॉपर्टी लगा देंगे ए माइनस एक्स वाली. अब इस शॉर्टकट ही पता है, बस पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि पाई बाय आंसर आएगा. यस मैम. हमने पढ़ा था ना कि cos की पावर nx डिवाइडेड बाय sin की पावर nx प्लस cos की पावर nx हो जाए और 0 से पाई बाय 2 हो जाए, तो इस पे भी वही लगता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. हां जी, स्ट्राइक करो सबको. अमन क्लियर? इनडेफिनेट का होता तो कैसे होता? क्या अगर इनडेफिनेट का होता तो? अगर इनडेफिनेट का होता तो हम कैसे सोचते? तो अपन कुछ और सोचते, हमें वो डिवाइड डिवाइड वाला पता है, वो सोचते. अगर इनडेफिनेट का, तो अगर इनडेफिनेट का होता तो हम वही सीकेंड बनाने की कोशिश करते ना. क्या टी तो पहले नहीं पुट हो सकता? जैसे आपके पास कॉस क्यूब साइन क्यूब कॉस क्यूब बनाना, तो मुझे किसी तरीके से या तो डिनोमिनेटर में कॉस क्यूब को साइन क्यूब में चेंज करना था. okay, या फिर न्यूमिरेटर नीचे कॉस लेके आना था और न्यूमिरेटर में मेरे को सेकेंड स्क्वायर बनाना था, कुछ ऐसा सोचना पड़ता. सेकेंड स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे वही ना कॉस स्क्वायर से बेसिकली. चलिए, 0 से 2 पाई sin x का मॉडुलस ब्रेक हो जाएगा पाई पे. मैम ब्रेक कर देंगे. कर लोगे? यस मैम. ओके, 25th हमने कर रखा है जहां तक मुझे लग रहा है. इसका तो बाय पार्ट्स लगा देंगे. अरे ओहो, ये यही चीजें तो गलती करोगे. 0 से पाई ये दिख रहा है कि log sin पाई माइनस x log sin x होता है, तो मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगी ना पाई माइनस एक्स एल एन साइन एक्स बनेगा. अब दोनों को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास तो लॉजिकली पाई एल एन साइन एक्स बनेगा. याद आया? अब देख, इसने फॉर्मूला बोला ना, इसका हमने शॉर्टकट करा था, इसका तो सीधा ठीक है जी. फर्स्ट होगा आंसर. बच्चों क्लियर है? कितने घंटे की क्लास है? सानिया जाना है तुम्हें? नो मैम, बस पूछ रही.
ये आप लोगों के डिपेंड है, जब हमारे डिस्कशन खत्म हो जाएगी हम क्लास एंड कर देंगे। हाँ जी, अगला देखिए, टैन एक्स कॉट एक्स। साइन और कॉस में कन्वर्ट करके एलसीएम ले लेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, साइन ln ऑफ साइन 2x बन जाएगा ना। अरे प्रणव, मैंने प्रॉपर्टी सीखी थी, मैं इसमें भी ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी लगा दूंगी। क्या ऊपर वाली प्रॉपर्टी लगा के काम नहीं होगा? यस मैम, क्योंकि जो आपको चाहिए ना वो बन जाएगा फिर। ठीक है, ओके। और 27 तो मुझे करवाने की जरूरत नहीं, मुझे पता है आपको आता है, इसमें में तो हो जाएगा। हमने पढ़ा था कि ये इंटेग्रल और ये इंटेग्रल बराबर होते हैं। हाँ जी, ये पीरियोडिक फंक्शंस आ गया आपका। अभी वेट वेट, क्या बी तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, हमने ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज कवर अप कर ली, लास्ट प्रॉपर्टी पे आ गए पीरियोडिक पे। तो क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए बच्चों। दीपांशु ठीक है? ठीक है, हम सेक्शन सी अभी नहीं किया, सेक्शन सी नहीं करा, तो अभी ट्राई करना है सेक्शन सी, कर लेते हैं अभी ट्राई कर लेते हैं। हाँ देखो, ये देखो साथ ही क्वेश्चन है सेक्शन सी में, ठीक है ना। 5 मिनट ले लो, फटाफट सोच लोगे। यस मैम, ठीक है। फर्स्ट वाले में तो वो लगाना है ना, पहले तो वो पार्ट्स कर कर लेते हैं। ले लो 5 मिनट, टेक योर टाइम और फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, ओके मैम। हम इस साइन 3x को साइन 2x वाले में खोल के लिखेंगे प्रॉपर्टी लगा के। ओके, ये उसका क्वेश्चन नहीं है पीरियोडिक फंक्शन का, तो हम इसमें मॉड्यूलस को ब्रेक कर देना, पाई बाय 3 पे ब्रेक हो गए। मैम मॉड्यूलस में पाई बाय 3 साइन 3x का पीरियड भी पाई 2 पाई बाय 3 होता है ना। हां जी बच्चे, सोचिए फटाफट सब लोग, कितना इसमें एंटी वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, एंटी ऊपर लग जाएगी। कितना आंसर आ रहा है? लगाता हूँ ना। हाँ जी बच्चों, किसी का बना कुछ? मैम एक सेकंड बस। मैम आके फिट आ गया मेरा।
कितना आंसर? आंसर तो आया लेकिन सिक्स आ गया। मैं एक बार आप करा दो, मेरा भी जीरो आ रहा है। किसी का आंसर आया? मेरे को आया गया, मेरे को वन लग रहा है। लग तो बन ही रहा है लेकिन आंसर आ गया सिक्स। कैसे सोचा? ब्रेक किया था फंक्शन। वन कैसे आया मैम? साइन थ्री एक्स जब ब्रेक करा तो पाई बाय थ्री पे ब्रेक हो रहा है, तो वहीं से सॉल्व करा। साइन थ्री एक्स को क्या सोचा आपने? कुछ ऐसा सोचा ना कि जो साइन जो थ्री एक्स है वो जीरो से पाई के बीच में रहेगी, है ना? यस मैम। तो जाने कि एक्स जीरो से पाई बाय थ्री में रहेगा, कुछ ऐसा ही सोचा होगा बच्चों? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो एक बार करना अगर जिनसे नहीं हुआ, वंस ट्राई। ठीक है जी, तो इसमें जीरो से पाई बाय थ्री साइन थ्री एक्स हो जाएगा, और माइनस में पाई बाय थ्री से टू पाई साइन थ्री एक्स हो जाएगा, तो वहां से आ जा रहा है वन। ठीक है, तो बच्चे एक बार सब लोग ट्राई करना। ठीक है, मैम आंसर तो बट इसका फोर्थ भी आ रहा है पीछे। हाँ जी बच्चे बताइए। मैम फर्स्ट वाले का पीछे आंसर मॉड्यूल में फोर्थ है। वन आएगा बच्चे, फोर नहीं आएगा मेरे को लग रहा है। मैम मॉड्यूल में फोर दे रखा है। कोई नहीं, इट कैन बी आंसर में मिस्टेक हो सकता है। यस मैम, फोर लिखा हुआ है। वन आएगा। एक बार आप सॉल्व करना, मैं आंसर भी चेक कर लूंगी। ठीक है इसका? यस मैम, वन तो आ रहा है। वन आना चाहिए। हाँ जी नेक्स्ट बताइए। हमें जो ऊपर वाला 11 की पावर एक्स उसको ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते? 11 मैम जो पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसे मतलब टाइम पीरियड 1 होता है, तो कैसे करेंगे ब्रेक? मैम एक्स को ऐसे लिख देते ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो वहां से एक ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला कट जाएगा नीचे से। दूसरे को क्या करेंगे मैम? फिर नीचे वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर्स पे ब्रेक हो जाएगा 1 2 3 पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग पहले इसको ले लो टाइम, सॉल्व कर लेना, है ना? देन ओनली थिंग्स वर्क, क्योंकि जब तक खुद से नहीं करेंगे तो चीजें नहीं हो पाएंगी, है ना? क्या कहते हैं? ओके, तो ये लिबनिट्स वाले हैं, ये तो स्ट्राइक करेंगे मैम, ये आ जाएंगे, ये आ जाएंगे ना? क्योंकि ये देखो कैसे पता चलेगा लिमिट से, माय डियर बच्चा पार्टी, लिमिट में पॉलीनोमियल फंक्शन मैम, लिमिट में पॉलीनोमियल, तो ये सब में पॉलीनोमियल दिख रहा है, वेरिएबल्स दिख रहे हैं। yes, तो आप लोगों को दिख रहा है, मैंने वहीं तक इंक्लूड करा है जहां तक हमने करा है, ये क्वेश्चन हमने कर लिए है। ठीक है, तो ये 26 तक आप लोगों को ट्राई करके आना है। ठीक है मैम, क्लास है ना हमारी, कल वाली क्लास में D6 तक ट्राई करके आना, क्योंकि जो कल सेशन होगा उसमें मैं डेफिनेट के जो 2-3 टॉपिक्स है प्लस आपका जो एस्टिमेशन है उन सबको कवर कर दूंगी। ओके मैम, तो जो सैटरडे वाली क्लास होगी उसको अपन अपना वही डिस्क मॉड्यूल प्लस आपके PYQs, कुछ वैसे PYQs काफी हमने कर लिए हैं, तो कुछ मोटा मोटा सा डिस्कशन करेंगे, बहुत मुश्किल क्वेश्चन अभी नहीं उठाएंगे, राइट? मैम जो आपने क्वेश्चन कराए तो उनमें से बता दो। हाँ वही तो बता रही हूँ, वो भी कल डिस्कस करेंगे ना। मैम उनमें से आखिरी वाले लिबनिट्स के थे ना, मैं मेरे को समझ ही नहीं आया लिबनिट्स लगानी है इनमें आखिर कैसे। एस्टिमेशन के भी थे मेरे तो, लिबनिट्स वाले आसानी से हो गए, एस्टिमेशन में कुछ नहीं हुआ। एस्टिमेशन मैम एस्टिमेट बड़े आराम से हो गए थे।
फिर तो जश्नी को उतना तो कर लेना चाहिए। आंसर नहीं आ रहा है ना, मतलब थोड़ा पास में आ गया तो हाँ एस्टीमेट हो जा रहा है वो। ठीक है, उसमें आंसर भी मैच हो जा रहा है। मैंने आप लोगों को होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे वो कल वाली क्लास के स्टार्टिंग में, क्योंकि मैंने जैसा आपको बोला कि कल वाली क्लास के लिए अगर मैं आपको मोटा मोटा सा बताऊं कि मेरे टॉपिक्स क्या होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आप लोग अगर अपना मॉड्यूल देख पाओगे ना तो उसमें शायद क्लियरली विजिबल है आपको जो टॉपिक्स है वो मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। आपने देखा होगा सीक्वेंस वही फॉलो होती है, राइट? तो जो नेक्स्ट वाली क्लास है उसमें हम लोग एक तो डेफिनेट इंटीग्रेशन लिमिट एज अ सम करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन, ठीक है जी? ये आपका बोर्ड्स में तो कट गया है, बोर्ड्स में तो एज अ सम कट गया है। और एक हमारे पास है रिडक्शन फॉर्मूला, बोर्ड्स में क्या किताब में कट गया है। हाँ, एक तो रिडक्शन फॉर्मूला है हमारे पास और एक वैलिस फॉर्मूला है। दो फॉर्मूलाज ये पढ़ने हैं और एक आपका एस्टिमेशन वाला करना है प्लस एक लिमिट एज अ सम करना है, ठीक है बच्चों? तो कल के यही टॉपिक्स है मेरे पास, तो कल डेफिनेट मैं खत्म कर दूंगी। जो भी डाउट्स होंगे ये होमवर्क वाले कल कर लेंगे, जो मॉड्यूल होगा वो आप लोग साथ साथ ट्राई कर लेना। अब आप लोग आज का टारगेट मान लो कि आपको D6 तक करना है, तभी जो पेंडिंग टास्क है वो आप कंप्लीट कर पाओगे अगले वाले टास्क। इस बार के टेस्ट में डेफिनेट भी आ रहे हैं? हाँ, इनडेफिनेट और डेफिनेट दोनों आ रहे हैं। ओके मैम, ठीक है जी। ओके डियर, अगर किसी को कोई डाउट, 11th का रिवाइज करने का सही तरीका क्या होगा? 11th का वही आपको वीडियो लेक्चर, जो मैं लेक्चर देखता हूं वो तो धीरे, मतलब ऐसे होते 1.25 पे देख रहा होता हूं, तो क्वेश्चंस भी साथ-साथ ट्राई कर रहा होता हूं। लेकिन ठीक है जिसमें अभी जो हर्षी सर का वीडियो लेक्चर आपको वो ड्रॉपर्स में पढ़ाया, तो आपको भी बेसिकली वही मोटा मोटा सा रिवाइज करना है। 11th आपने नोट्स से कर सकते हैं, जरूरी है लेक्चर देखना। हाँ, अगर आपको नोट्स से समझ आ गए तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। फिर ये भी रहता है ना कि सारे टॉपिक्स उसमें है कि नहीं है, मतलब जब शॉर्ट, जब अभी अभी तो स्टैटिस्टिक्स, अच्छा इस बार टेस्ट में आ रहा है स्टैटिस्टिक्स? यस आ रहा है, तो मोटा मोटा पढ़ लो, लेकिन आप साथ साथ उसको देख सकते हैं क्योंकि आपका जो स्टैटिस्टिक्स है वो आपके मास्टर टेस्ट में भी आ रहा है 8 अक्टूबर को। यस मैम, है ना? तो अभी कुछ पर पूरा 100% नहीं पढ़ सकते, बट कुछ परसेंट पढ़ सकते हो, रेस्ट आप तब तक प्रिपेयर कर सकते हो। यस मैम, ठीक है ना मैम? जो आपने लिंक भेजा था बिटली लिंक, वो फिजिक्स की शीट का था, उसमें देख तो मैथ्स की टैब भी होगी। ठीक है मैम, है ना मैम? हाँ जी बच्चे। मैम आप अपनी क्लास का लिंक बायो वाले ग्रुप में भेज दो, G12 में, हमारा G10 है। मेरे पास G10 आईडी नहीं है, G10 मैं G10 ऐड करवा लेती हूँ सर को बोल के, फिर मेरे पास एडेड नहीं है वो। मेरे पास जितने ग्रुप्स है ना प्लस टू पे सब में भेज देती हूँ मैम, बायो वालों में चला जाता है, हमारे में जाता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं बोल देती हूँ सर को, सर ने मेरे को इन्हीं ग्रुप्स में ऐड करा हुआ है, मैं उस ग्रुप में ऐड हो जाती हूँ G10 में, तो मैं वहां भेज दूँ नेक्स्ट टाइम से, ठीक है?